जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक रूम कूलर मोटर से निकले हुए 6 तारों की चेकिंग बताएंगे और साथ ही साथ हम कनेक्शन करके दिखाएंगे और मोटर को चलाकर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर नई नई वीडियो आती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारा रूम कूलर है। इस रूम कूलर से टोटल 6 तार निकले हुए, 2 तार यहाँ पर निकले हुए हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे दोनों तार पीले वाले तार हैं और यहाँ पर 4 तार निकले हुए हैं। चारों तारों में से सभी डिफरेंट डिफरेंट कलर के तार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लू वाला वायर है और यहाँ पर एक रेड वाला वायर है और एक ब्लैक वाला वायर है और साथ ही साथ एक हमारा व्हाइट वाला वायर भी है। तो कुल मिलाकर इसमें से 6 तार निकले हुए हैं। इन 6 तारों को किस प्रकार से चेक करना है, कहाँ पर कैपेसिटर जोड़ना है, कैसे इसमें सप्लाई देना है और कौन हाई मीडियम लो होता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ सकें। देखिए, जो हमारे कूलर मोटर होते हैं या फिर कोई भी मोटर होते हैं, अगर उस पर डायग्राम बना रहता है तो डायग्राम के अनुसार हम कनेक्शन कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डायग्राम न बना हो तब हम किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, तो वो विधि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए ये 6 तार हैं, 6 तार को पहले चेक करना है। चेक कैसे करना है, देखिए ये जो हमारे 6 तार होते हैं, 6 तार के अलग अलग कार्य होते हैं। इसमें से कोई एक न्यूट्रल होगा, इसमें से कोई एक हाई वाला तार होगा, कोई मीडियम वाला तार होगा, कोई लो वाला तार होगा और इसमें से 2 तार कैपेसिटर के होंगे, कोई रनिंग होगा, कोई स्टार्टिंग होगा। तो सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करके बताएंगे। यहाँ पर देखिए इन 6 तारों को बारी बारी से चेक करना है। पहले तो डिजिटल मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करके 6 तारों को बारी बारी से जब चेक करेंगे तो उस कंडीशन में जिन 2 तारों पर मान सबसे अधिक आता है उन 2 तारों में से कोई एक रनिंग, कोई एक स्टार्टिंग हो सकता है। अब उन्हीं दोनों तारों को कैपेसिटर में जोड़ना है, तो आपको बस विशेष ध्यान ये देना है कि यहाँ पर देखिए हम किसी एक वायर पर एक प्रोब लगा लेते हैं मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर हमारा इस समय कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट है, तो हम किसी एक वायर पर एक तार हम यहाँ पर मल्टीमीटर का लगा लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर लगा लिए। अब लगाने के बाद बचे हुए 5 तार हैं, 5ों तारों को चेक करना है बारी बारी से। सिर्फ हमको ये ध्यान देना है कि किस पर हमारी रीडिंग ज़्यादा आ रही है। तो चलिए हम चेक करते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए रेड वाले वायर पर हम लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 रीडिंग यहाँ पर आ रही है। अब हम अगले वायर को यहाँ पर टच कराते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 83 रीडिंग यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए हम व्हाइट वाले तार को चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 98 रीडिंग दिखा रहा है। अभी तक की सबसे ज़्यादा रीडिंग 110 आई थी इस रेड वाले तार पे। अब हम इन दोनों पीले वाले तार को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 83 रीडिंग दिखा रहा है, हालांकि इससे ज़्यादा इस रेड वाले पर दिखा रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 142 रीडिंग यहाँ पर दिखा रहा है इस पीले वाले वायर पर, यानी कि अभी तक की सबसे ज़्यादा रीडिंग इस तार पर आई है। तो चलिए हम यहाँ पर अब इस ब्लू वाले तार से हटा लेते हैं और ब्लू वाले तार से हटाने के बाद अब हम इन तीनों तारों में से किसी एक पर लगाते हैं। तो चलिए हम इस रेड वाले तार पर एक प्रोब लगा लेते हैं और दूसरी प्रोब से हम बारी बारी से सबको चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोब लग चुकी है, अब हम बारी बारी से सभी वायरों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 रीडिंग दिखा रहा है और बीप की आवाज़ भी आ रही है। और अगले वायर को चेक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 13 रीडिंग आ रहा है और बीप की आवाज़ भी आ रही है। इस पीले वाले वायर को चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 253 रीडिंग यहाँ पर दिखा रहा है और इस पीले वाले दूसरे वायर को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि जो पीला वाला वायर है, पीले वाले वायर पर पिछली बार भी 145 रीडिंग दिखाया था जब हम इस ब्लू वाले तार से और इसको चेक कर रहे थे, तब 145 रीडिंग दिखा रहा था। अब इस रेड वाले तार से जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए सबसे ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि 253 रीडिंग ये दिखा रहा है। मतलब कि इसी तार पर सबसे ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है। जिस तार पर सबसे ज़्यादा रीडिंग दिखाता है उसको हम कैपेसिटर में ही जोड़ते हैं। तो चलिए हम संतुष्टि के लिए आगे भी चेक कर लेते हैं कुछ ऐसे। इस पीले वाले वायर को याद रखना है कि इस पीले वाले वायर पर ही 200 से ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है। तो चलिए हम ब्लैक वाले वायर पर प्रोब लगा लेते हैं और फिर उसके बाद चेक करना दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर प्रोब लगा लिया है, अब हम एक एक तार को फिर से चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 16 रीडिंग दिखा रहा है, हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ ज़्यादा रीडिंग से मतलब है कि जिस पर ज़्यादा रीडिंग आ रही है बस उसी तार को चूज करना है कैपेसिटर में जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ आ रही थी, अब हम इस तार से हम इस रेड वाले तार को भी चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 रीडिंग आ रही है। इस ब्लू वाले तार को भी चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 84-83 रीडिंग दिखा रहा है। मतलब कि ये जो पीला वाला तार है इस पर सबसे ज़्यादा रीडिंग किसी भी तार पर लगाने पर आ रही है। अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं ऐसे ही।
सभी तारों को इसी प्रकार से बारी बारी से चेक करते हुए चले जाएंगे। जिस तार पर रीडिंग सबसे ज़्यादा आ रही है उसी तार को कैपेसिटर में जोड़ना है। तो चलिए, यहाँ पर हमने व्हाइट वाले तार पर एक प्रोब लगा लिया है और बाकी बचे हुए तारों को बारी बारी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्लू वाले तार पर लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर 98 रीडिंग आ रही है। और इस रेड वाले तार पर लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 रीडिंग आ रही है। अब हम इस ब्लैक वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 रीडिंग आ रही है, 15 रीडिंग आ रही है। अब हम इस पीले वाले तार को चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 रीडिंग आ रही है। और इस पीले वाले तार को चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से 242 रीडिंग, 241 रीडिंग यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब कि इसी तार पर हमेशा रीडिंग ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा रनिंग या स्टार्टिंग वाला तार होगा, इसको हम कैपेसिटर में जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जा रहा है, किसी भी तार से आप चेक करेंगे तो इस पर रीडिंग ज़्यादा ही आएगी। तो अब हम चलिए इस तार से हटाकर अगले तार को चेक कर लेते हैं। ये हमारे चारों तार बारी बारी से चेक हो गए हैं, बाकी बचा हुआ तार ये है तो इस पर हम लगाकर दूसरे तार को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए रीडिंग ज़्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 226 रीडिंग यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब कि ये जो हमारा तार है, ये पीला वाला तार, ये कैपेसिटर में ही लगेगा। तो यहाँ पर 100% हो गया कि ये कैपेसिटर में ही लगेगा। तो चलिए हम इसको कैपेसिटर में जोड़ लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया जिस तार पर रीडिंग हमेशा ज़्यादा आएगी उसी तार को जोड़ना है कैपेसिटर में। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर में ये तार जुड़ गया। अब देखिए इस तार से इस तार पर चेक करने पर भी रीडिंग ज़्यादा आ रही थी तो हम इसी तार को कहाँ पर जोड़ देंगे, कैपेसिटर में जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 226-27 रीडिंग आ रही है तो हम इसको भी कैपेसिटर में जोड़ देंगे। हालाँकि ये जो दोनों तार हैं कैपेसिटर के लिए होते ही हैं, ये अलग से निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तार कैपेसिटर में जुड़ गया। अब बात आती है कि मोटर के हाई मीडियम लो को कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो तार कैपेसिटर में जुड़ गए, बाकी हमारे बचे चार तार। इन चारों तारों में से कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो है, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारे चार तार हैं, इन चारों तारों में से किसी एक तार पर हमारे मल्टीमीटर का एक प्रोब रख लेना है और बाकी बचे हुए तीनों तारों को बारी बारी से चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रीडिंग दिखा रहा है 111। अगले पर चेक करते हैं, यहाँ पर ये रीडिंग दिखा रहा है 83, मतलब 83। अगले को चेक करते हैं, यहाँ पर ये रीडिंग दिखा रहा है 98, मतलब 98। यहाँ पर इससे ये क्लियर होता है कि ये जो हमारा ब्लू वाला तार है, इस ब्लू वाले तार से बारी बारी से सब पर चेक करने पर रीडिंग डिफरेंट आ रही है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे भी चेक कर लेते हैं किस प्रकार से हम अगले तार से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 111 रीडिंग, यहाँ पर देख सकते हैं आप बीप की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पर भी बीप की आवाज़ आ रही है। देखिए जहाँ पर बीप की आवाज़ आने लगे, ये समझिए कि ये सारे हमारे स्पीड के ही तार हैं। तो स्पीड के तार में बीप की आवाज़ आएगी आपस में, कहीं भी आप स्पीड के तार को लगाएंगे तो बीप की आवाज़ आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो तीनों स्पीड के तार हैं, इन तीनों स्पीड के तारों में से हम कहीं पर भी लगाएंगे तो हमारी बीप की आवाज़ आएगी सिवाय न्यूट्रल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, और इस तार पर भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी बीप की आवाज़ आ रही है, यानी कि इन तीनों तारों पर बीप की आवाज़ आ रही है। अब हम न्यूट्रल पर लगाएंगे तो न्यूट्रल पर बीप की आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल के तार पर बीप की आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ पर 110 रीडिंग शो कर रहा है। मतलब कि ये जो हमारा तार है ये न्यूट्रल है, यानी कि ब्लू वाला तार क्लियर हो गया कि ये हमारा न्यूट्रल है, और बाकी हमारे ये जो तीनों तार हैं ये स्पीड के तार हैं। अब कौन सा लो होगा, कौन सा मीडियम होगा, कौन सा हाई होगा, इसको चेक करने के लिए एक तार हम कॉमन वाले तार पर रखते हैं, मतलब न्यूट्रल वाले तार पर रखते हैं, और दूसरी प्रोब से हम इन तीनों तारों को चेक करते हैं। अब हम एक प्रोब यहाँ पर न्यूट्रल पर लगा लिए हैं, अब बाकी तीनों तारों को चेक करेंगे। तो तीनों तारों को जब चेक करेंगे तो जिस तार पर मान सबसे अधिक आएगा वो हमारा लो स्पीड का तार होगा, और जिस तार पर मान सबसे कम आएगा वो हमारा हाई स्पीड का तार होगा। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेड वाले पर लगाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 111 रीडिंग दिखा रहा है, और ब्लैक वाले पर चेक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 83 रीडिंग दिखा रहा है, और वाइट वाले पर चेक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 98 रीडिंग दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा रीडिंग कहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 111 या 110 रीडिंग इस रेड वाले तार पर दिखा रहा है। मतलब कि ये जो हमारा रेड वाला तार है ये लो स्पीड का तार है, जिस पर रीडिंग सबसे ज़्यादा दिखाएगा वो हमारा लो स्पीड का तार होगा, और जिस पर रीडिंग उससे कम दिखाएगा वो हमारा मीडियम स्पीड का तार होगा, और जिस पर रीडिंग सबसे कम दिखाएगा वो हमारा हाई स्पीड का तार होगा। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। देखिए रेड वाले तार को हमने यहाँ पर टच करा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 रीडिंग ये शो कर रहा है, तो मतलब सबसे ज़्यादा रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये लो स्पीड है, उसके बाद
इससे कम रीडिंग जिस पर शो करेगा वो हमारा मीडियम स्पीड रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 98 शो कर रहा है, मतलब कि ये हमारा वाइट वाला तार मीडियम स्पीड का है। और इस ब्लैक वाले तार को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैक वाले तार पर 83 रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि सबसे कम रीडिंग दिखा रहा है, मतलब कि ये जो हमारा ब्लैक वाला तार है ये हाई स्पीड का तार है। तो ये हो गया हाई, ये हो गया मीडियम, और ये हमारा रेड वाला हो गया लो। तो यहाँ पर सभी तारों को हमने पहचानना बता दिया कि किस प्रकार से किस तार को कैसे पहचाना जाता है, और कहाँ पर कैसे कैपेसिटर जुड़ता है, कहाँ पर न्यूट्रल जोड़ा जाता है, कहाँ पर फेज जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्लू वाला तार है ये हमारा न्यूट्रल वाला तार है। तो न्यूट्रल वाले तार पर हम एक तार जोड़ देंगे मेन लीड का। यहाँ पर देखिए हम इसको मेन लीड के रूप में प्रयोग करेंगे अभी आपको चेक करके दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस ब्लू वाले तार पर हम एक तार यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ब्लू वाले तार पर जोड़ने के बाद हमको एक ही बार में इसको नहीं जोड़ना है, बारी बारी से टच कराकर देखना है, क्योंकि इसी में हमारी रोटरी स्विच लगती है और रोटरी स्विच बारी बारी से सभी तारों पर सप्लाई बारी बारी से पहुंचाती है, इसलिए हमारा पंखा 3 स्पीड में चलता है। तो चलिए हम यहाँ पर मोटर को इस प्रकार से रख लेते हैं और आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर में हमने एक टेप लगा रखा है ताकि यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे कि हमारा मोटर घूम रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज बोर्ड है, सीरीज बोर्ड से इसको हम चेक करेंगे। चलिए हम सीरीज में मेन लीड लगा लेते हैं, और मेन लीड लगाने के बाद हम तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तार हमारा लग चुका है न्यूट्रल में, और बाकी तीन तार स्पीड के हैं। तीनों तारों को हम बारी बारी से चेक करेंगे। हमने अभी चेक करके आपको बताया था कि जो हमारा लो स्पीड का तार था वो रेड वाला था, तो रेड वाले पर हम यहाँ पर टच कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मोटर है ये चलने लगा है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं आप कि हमारा मोटर चल रहा है, लो स्पीड में भी चल रहा है। और मीडियम स्पीड का तार हमारा जो था वो हमारा वाइट वाला तार था, तो चलिए मीडियम स्पीड वाले तार पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीडियम स्पीड वाला तार है, ये थोड़ा सा पहले से ज़्यादा चल रहा है। और अब हम हाई स्पीड वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो हाई स्पीड वाला तार हमारा ये ब्लैक वाला है, तो ब्लैक वाले पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज का बल्ब भी जल रहा है और हमारा मोटर भी चल रहा है, और ये सबसे तेज़ स्पीड है इसकी, हालांकि हमने अभी सीरीज से चेक किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से किसी भी मोटर को चेक करते हैं, और उसमें कैपेसिटर कहाँ पर लगाते हैं, और किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं, और किस प्रकार से न्यूट्रल, हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड सबको पहचानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।